मैं हूं वक्त, बूढ़ा वक्त। मेरी इन बूढ़ी आंखों ने हजारों साल जमाने के कई नशेबो फराज और तारीख के कई उरूजो सवाल देखे हैं। मैंने कौमों को बनते और बिगड़ते हुए देखा है। इस तरह की सैकड़ों दास्तानें मेरे सीने में पोशीदा है, लेकिन आज जो दास्तान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसका हर लफ्ज अपनी जगह खुद एक कहानी है। जिद्दोजहद की कहानी, अज़्म हिम्मत की कहानी, बेशुमार और बेमिसाल कुर्बानियों की कहानी। इस कहानी का मरकजी किरदार हर वो शख्स है जिसने इस खित्ताए जमीन अपने ख्वाबों की सरजमीन तक पहुंचने के लिए आग और खून के दरिया को उबूर किया, जिसने नफरत और दहशत की फजा में भी अपने हौसले और उम्मीद के चराग को रोशन रखा। बस आने वाला है, तुम ठीक हो ना बाप? हाँ हाँ ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। और गाड़ी जल्दी चलाओ, है जल्दी चलाओ गाड़ी। पुत्र खुदा बख्शा, पाकिस्तान आ गया? हाँ बाजी, पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान को सलामत रख। काफ़रा बार बार रुकता था, बार बार सफ़र करता था, बार बार लुटता था, बार बार करता था, और मैं इन सब बातों से बेनियाज एक सहमा हुआ बच्चा साथ साथ चल रहा था। एक मकाम ऐसा आया जहाँ पे फिर एक बार वो जो बिखरा हुआ काफ़ला था जमा हुआ और चल रहा था, तो पता चला फिर हमला हो गया, हमला हो गया। उसमें मैंने ये देखा सब लोग भाग रहे हैं, कुछ औरतें अपने बच्चे फेंक रही हैं, पता नहीं क्यों फेंक रही हैं, आई डोंट नो। मेरी माँ ने ना मुझे फेंका ना मेरे छोटे भाई को फेंका, मेरे सामने मेरे बाप वो रेलवे में एसटीओ थे, कुछ पता नहीं जी। एक मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग घोड़ों पर हैं और उनके हाथों में तलवारें हैं, कुछ के हाथों में नेजे हैं,
और एक बंदे ने मेरे बाप से कहा घर की चाबियां दो। उसने कहा मेरे पास नहीं, सब छोड़ आया वहाँ। उसने मेरे बाप के सर पर एक गंडासा मारा, ही फेल्ट गिर पड़ा। फिर दूसरा गंडासा उसकी गर्दन पे मारा और एक खून का फवारा उठा मेरे सामने। मेरी माँ खड़ी थी, मैं उसकी उंगली पकड़ी हुई और मेरे भाई को उसने ऐसे गोद से चिमटाया हुआ था। तो कुछ वक्त गुजर गया, पता नहीं कितना, तो मैंने अपनी माँ को हिलाया, माँ चलो हमें भी मार देंगे। तो मेरी माँ एक साकत औरत की तरह चल पड़ी। इतने में आया, चले गए चलो आओ। फिर कुछ लोग आ गए घोड़ों पर सवार, फसादी, ज़्यादातर उनमें सरदार सिख टाइप लोग थे। एक मस्जिद में ले गए, रात पड़ गई, वहाँ हमें पनाह दे दी, पनाह फिर सुबह चले जाएंगे। एक छोटी सी शिकस्ता मस्जिद एक गांव की, और उसमें ना कोई दिया ना कोई बत्ती। तो हम बैठ गए, कुछ आटा दे गए लोग, उस आटे को घोल लिया सब लोगों ने, मेरी माँ ने भी, और कुछ नमक और मेरे उसको घोल के। तो रोटी, हमें तो वो रोटी बहुत अच्छी लगी उस वक्त। रास्ते में पानी भी जो ऐसे जैसे होते हैं ना, कोई छप्पड़ छप्पड़ तालाब बाला बारिश का पानी, उसमें से निथार निथार के पीते आए थे। बहरहाल जो भी हो, तो अंधोनाक वाकया ये हुआ कि रात को हम सोए हुए थे, पता नहीं कैसे एकदम आँख खुली, तो मैंने देखा मेरी माँ कह रही थी अगर मुझे लेके जाना है तो मेरे इन दोनों बच्चों को मार दो। कुछ लोग टार्च से तलाश कर रहे थे, और वो आज मुझे अंदाज़ा है कि वो किस हाल में थे। बहरहाल वो कुछ नस्बतन, बहरहाल उन्होंने मेरी माँ से कहा उठो। मेरी माँ कह रही थी कि इनको मार दो, तो मैं मुझे ले जाओ। तो एक बूढ़े से सरदार ने कहा छोड़ो छोड़ो बच्चों वाली है, और वो मेरी माँ को छोड़ गए। हम लाहौर आ गए। लाहौर आकर हमें वाल्टन में एक कैंप में लाया गया। वहाँ तंबू शामियाने, बेशुमार लोग, लाउड स्पीकर ऐलान हो रहे थे, बेशुमार लोग आटे बोरी ये वो सब कुछ लेके आ रहे थे। गले भी लगाते थे जज्बातियों पर, प्यार भी करते। मेरे सर पे पता नहीं कितने लोगों ने हाथ फेरा, मगर मैं उन सब में अपना बाप तलाश कर रहा था। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मेरा बाप मैं वहाँ छोड़ आया। मुझे लगता था कि वो आ जाएगा, और मेरी माँ की भी कैफियत ये थी कि वो आ जाएंगे, वो बच गए हैं, वो किसी तरह से जैसे ज़ख्मी आ रहे हैं बच के वो कहीं आ जाएंगे। लेकिन ये एक दिलासा था, बहुत देर बाद जाके साबित हुआ कि ये एक दिलासा था। बहरहाल यहाँ वाल्टन में जहाँ आप यादगार बना रहे हैं पाकिस्तान के, यहाँ पे अनार थे और टूटी फूटी बारकें फौजियों की। हम लोग अपने बच्चे थे, बच्चों में गुम हो गए। कहीं से एक अनार मिल गया तो उसको तोड़ा और खाया, और नमक मिर्च और रोटी को भिगो के खाया, और बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा। हमें नहीं पता था हमारी माँ पे क्या गुजर रही है। एनी हाउ, फिर माँ की छाती में दूध ही नहीं रहा एक दिन, तो मेरा जो छोटा भाई था उसको हमने थोड़ी सी मिट्टी में गाड़ दिया। मैं अजल से इंसान के जख्मों पर मरहम रखता आया हूँ, लेकिन बाल जख्म ऐसे हैं जिनसे आज भी लहू रिस रहा है। ये उन लोगों के दिए हुए जख्म हैं जिनसे इस सुलूक की उम्मीद न थी। कितने अफसोस की बात है, इंसान अशरफुल मखलूकात कहलाता है, इंसानियत का दावा करता है, लेकिन बाज़ औक़ात इतना बेरहम और संग दिल हो जाता है कि पलक झपकते में बरसों के रिश्ते नाते तोड़ डालता है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, शाबाश। चुप हो जाओ, चुप हो जाना, चुप हो जा, चुप हो जा।
अल्लाह। अरे बेटा रशीद कहाँ रह गया था तू? ये रो रो के हलकान हो जा रहा है। हकीम जी के यहाँ पहुँचा, दवा खाना बंद पड़ा था, घर जाके दवा बनवानी पड़ी। तुम्हारी दवा भी ले आया। अम्मा तुम थक गई हो, लाओ लाओ इसे मुझे दे दो। नहीं तुम मेरी फिक्र ना करो, जाओ जाके पहले दूध गर्म कर लाओ, इसको दवाई दे दे, पता नहीं कितनी तकलीफ है बेचारे को। हकीम साहब कह रहे थे पेट का दर्द है, दवा से ठीक हो जाएगा। भाभी जी। आओ मोहन भैया, कहाँ रह गया था? ना पूछो भाभी जी, जान जोखम में है। जगह जगह दंगा फिसाद हो रहा है, बलवे हो रहे हैं, दिन रात की ड्यूटी लगी है। अरे भाभी जी ये रो क्यों रहा है? कल से इसके पेट में दर्द है, हकीम जी ने दवाई दी है। कोई आया है अम्मा? अरे मैं हूँ रसीद मियाँ, मोहन। लाओ इसे मुझे दे दो। राम राम राम। तुम्हें तो बहुत जोर का ताप चढ़ा हुआ है भाभी, तुम लेट जाओ। मेरी फिक्र ना करो भैया, इसे दवाई पिला दो। आज अगर तुम नहीं होती तो शायद ये मूर्ख जिंदा भी नहीं होता। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ भाभी कितना फर्क है तुम में और इसकी माँ में। एक वो क्रंकनी जो अपने आसाराम की खातिर एक बड़े अफसर के साथ हार गई, और एक तुम हो जो पराई औलाद की खातिर अपना सब चैन पर बैठी हो। तुम मनुष्य नहीं देवी हो। ऐसी बातें नहीं करते भैया, एक तरफ से तो बहन कहते हो फिर ऐसी बातें भी करते हो। अच्छा ये बताओ तुम हमारे गांव के नहीं, तुम रशीद मजीद के अब्बा के दोस्त नहीं, तो उस नाते मेरे भाई हुए ना? आप यहां कैसे? आओ मजीद मियां। तो आपने पहचान लिया इंस्पेक्टर साहब, उधर मुसलमानों को धड़ाधड़ कत्ल किया जा रहा और आप यहां बैठे आराम फरमा रहे हैं। तो आपको मालूम है कि साथ वाले गांव पर भी बलवाइयों ने हमला कर दिया है। मजीद तमीज से बात करो। छोड़ो भाभी, बच्चा है, तुम इसे पकड़ो, मैं खुद जाके देखता हूं। सब ठीक हो जाएगा मजीद मियां, तुम चिंता मत करो। आज से नहीं बरसों से मिलजुल कर रहते आए हैं, लेकिन प्रकाश और उसके गुंडे सुकून से रहने दें तो तब ना। मोहन मियां ऐसा ना हो कि हम हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएं। बस बोलो ना, यही बात तो हम भी कहते हैं। अरे ये लड़ाई भड़ाई किस काम की? जो तय करना था वो तो अंग्रेज सरकार ने तय कर दिया, अब ये मारपीट कत्लो गारत इससे का कोई फायदा नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये मारामारी खत्म होनी चाहिए। लेकिन मोहन मियां कत्लो गारत को रोकना तो सरकार का काम है ना? बिल्कुल ठीक, मैं कब कहता हूँ कि ये हमारा काम नहीं है, परंतु जब तक जनता से हथियार नहीं ले लिए जाते शांति नहीं होगी। हाँ जो ही लोग हथियार रख देंगे फिर सब मंगल है। बशर्ते के हथियार सब से लिए जाएं। मैं गलत तो नहीं कह रहा मोहन मियां? सो तो है, सब हिंदुओं से हथियार जमा करने की जिम्मेदारी मुझ पर, परंतु जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है मौलाना इसमें आप भी तो हमारी मदद करें। बात तो दिल को लगती है, पर मोहनदास मेरे ख्याल में मशवरा कर लेना अच्छा है, हम और लोगों से भी मशवरा कर लेते हैं। जैसे आप लोगों की इच्छा, हम तो सेवक हैं आपके।
गर्म है तेरा खून, कुछ ज्यादा ही जोश मारता है। अरे तू वही मोहन है जिसका मुझे भाभी भाभी और इनको बेटा बेटा कहते हुए मुंह नहीं थकता था, कहां गया आज वो रिश्ता? अरे कमबख्त, मैंने तेरे बेटे को अपना खून पिला पिला कर पाला, उसी की लाज रख ली होती। बकवास बंद कर, दिमाग चल गया है तेरा। अरे तेरी औकात ही क्या है, हमारे बच्चे की आयगिरी क्या कर ली? बहन बन बैठी हमारी, हमारी बराबरी करेगी क्या? थू है तेरे जन्म पर। लेकिन बात तू सही कहता है, तू 100 दफा भी मर के जिए ना तो हमारे बराबर का नहीं बन सकता, ना तू ना तेरी कौम। वाह बड़ी बोल रही है, तुझे पता उस वक्त चलेगा जब तेरे इन सगों के सर काट कर फेंक दूंगा, झुका दूंगा इनके सर। अरे जा, तू झुकाएगा इनके सर? ये मेरे बच्चे हैं, एक मुसलमान के बच्चे हैं, ये मरते मर जाएंगे मगर अपना सर नहीं झुकाएंगे। बता दो बेटा, बता दो इसे कि मुसलमान का सर सिर्फ उसके खुदा के आगे झुक। चुप हो जा, चुप हो जा। मोहनदास, मोहनदास, अगर धोखे से तूने हमारे हथियार ना छीन लिए होते तो मैं तुम्हें बताता कि हम क्या हैं। एक बार, सिर्फ एक बार इन हाथों में हथियार आ जाएं तो खुदा की कसम। हथियार आए तब ना मूर्ख, यही फर्क है तुम में और हम में। तुम सीधे साधे हर बात पर यकीन कर लेने वाले लोग और हम। ठीक कहता है, ये ठीक कहता है। गलती हमसे ही हुई जो इस शैतान की बात मान ली। ये क्या गजब किया हमने, इतनी बड़ी भूल हो गई हमसे, इतनी। चलो खबरदार, जो मौलाना को कुछ कहा तो। वाह बड़ा दमखम है तेरे लौंडों में बिल्किस भाभी जी। चुप हो जा बदबख्त, अपनी गंदी जुबान से मेरी मां का नाम ना ले, एहसान फरामोश कुत्ते। बेटा मर गया है तुम्हारा, रोगी भी नहीं, तो कैसी मां है? मेरा बच्चा मरा नहीं, शहीद हुआ है अपने वतन के लिए, पाकिस्तान के लिए। इस वतन के लिए तो मेरे सब बेटे कुर्बान। मेरी बच्ची थी डेढ़ साल या 1.5-2 साल की, मेरी बेगम थी, बीवी थी, मेरी माँ, मेरे मामू मुमानी और मेरे नाना नानी बहनें, भाई, मेरा कड़ियल जवान था, ये सब के सब यानी कुर्बान हो गए। उन्होंने वो जब हम पे हमला शुरू किया तो हम भी वो रोकने के लिए चला देते थे, लेकिन वो और लेकिन वो हमारा हवाई फायर था और वो हमें देख देख कर मार रहे थे। इस पर जब वो बहुत ही ज़्यादा धुआं बढ़ गया तो हमारा जो भाई था खालाजाद भाई जहीर, वो कहने लगा साहब मैं तो नहीं अब यहाँ रुक सकता, मैं तो आगे बढ़ता हूँ।
तो वो आगे जो बढ़ाया तो उसके वो 303 उसके सीने पे मारी, और आप जानते हैं जब वो लगती है तो पीछे बहुत ज़्यादा खुल जाता है, आगे से तो थोड़ा सा है, वो जैसे वो गिरा है तो जल्दी से मेरी वो खाला रात बहन यानी जो उसकी बहन थी नफीस बानो वो आई, और वो कहने लगे भाईजान क्या बात है, उन्होंने कहा कुछ नहीं बहन मुझे तो तुम्हारा ख्याल आ गया, तुम्हारा क्या बनेगा, वो कहने लगे नहीं कुछ नहीं भाईजान आप मेरी फिक्र ना करो, और उसने अपने वो जेब में से चाकू निकाल के दिखाया, देखो अगर कुछ और नहीं होगा तो मैं ये खुद को मार के मर जाऊंगी। इतने में वो हमारी खाला भी आ गई दौड़ के, अरे मेरा बेटा ये हुआ। इस पे फिर हमारे खालू अब्बा कहने लगे कि भाई वो बेटा हुसना वो हमारी मामूजाद बहन थी, उसकी शादी होने वाली थी जहीर से जो ये गिरा पड़ा था, आओ बेटा मैं तुम्हें भी लाओ दुल्हन बना देता हूँ, आओ यहाँ सामने आओ। आए तो उन्होंने वो उनके निशाना मारा तो वह इत्तफाक से ऐसा यहाँ लगा कि वो एक खून की लकीर सी सारी उस पर माथे पे बनती चली गई। मुझसे कहने लगे कि लो भाई मशकूरियत मेरी बेटी तो दुल्हन बन गई है, तो भाई बेटी दुल्हन बन गई है, और इस तरह करके वो ढेर हो गई वो। अब वो फिर उसके बाद जब ये हाल हुआ तो उसके जहीर का भी इंतकाल हो गया, और बस वो यही कहता रहा कि क्या होगा, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल आप परेशान ना हो। फिर इस पर वो नफीस ने कहा कि अब बाजान मुझे भी मारें फिर आप, ये तो वैसे मैं परेशान होंगी कि हाँ अच्छा। फिर वो खालू अब्बा ने वो फायर करने शुरू किए, अब वो फायर करें बेचारों से फायर ना हो सके, वो कभी एक कभी इधर मारें कभी उधर, 7-8 गोलियां चलाएं फिर भरें फिर लगाएं। वो कहे मुझे अब्बा मुझे छलनी कर दिया है, मुझे खुदा के लिए सीधा मेरे दिल पे मारें मेरे सीने मारें कि ताकि मेरा खात्मा हो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इस पर मुझे खालू अब्बा कहने लगे बेटा तुम एक गोली अपनी बहन को ये तुम्हारी बहन है इसको मार के ख़त्म कर दो। मैंने कहा खालू अब्बा मैं क्या करूँ कैसे मार सकता हूँ। फिर मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि मेरे लिए क्या हुक्म है बताइए। मैंने कहा चल रहे हैं अब सभी चलते हैं। मेरी बेटी जो थी वो मुझे बड़े अजीब अंदाज से देख रही थी, वो हवा में उसके बाल यानी लहरा रहे थे, अजीब अंदाज था वो। तो वो बाहर निकले हैं तो जैसे ही बाहर निकली मेरी माँ को पहले उन पर बच्ची मारी तो वो एक कले उनके पेट में मारा तो वो ख़त्म हो गई। उसके साथ ही फिर मेरी बीवी को मारा वो ख़त्म हो गई। फिर मेरी बेटी देखिए कैसा अजीब सा मंजर था कि वो पहले अपनी दादी अम्मा वो छोटी सी करती रही, जब वहाँ उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया तो फिर अम्मी अम्मी वो उनको पुकारने लगी। फिर उस वो देख रहा था एक सिपाही और वो कहने लगा कि अच्छा ये तो हो सांप के सपोलियाँ ये क्या करेंगे, तो ऐसे वो समझ नहीं रहा था कि लड़की है या लड़का है। बहरहाल उसने उसको ले के और वो वहीं वो पाँव का उसको दबा दिया उसको, और उसकी आँखें वो निकली हुई थी। सुबह जब मैं वहाँ से निकला हूँ तो उसकी आंखें निकली हुई थी और वो देख रही थी इस तरह करके। मुझ पर भी वो हमला हुआ था तो इसको मैं ये समझा था कि मैं जैसे मैं अपनी बीवी के साथ नहीं जा रहा हूँ, जब उन्होंने कहा ना चलते मुझे भी इजाज़त दीजिए तो मैंने उनको इजाज़त दी, तो मैंने ये समझा कि मैं खुद ही यहाँ गिर गया हूँ, यानी मैं अपने आप को बुरा कह रहा था कि मैं यहाँ क्यों गिर गया। तो असल में मेरे भी गोली लगी थी, मुझे भी वो फिर बाद में पेट्रोल डाल के जलाया गया था। जब वो जल गया सब लाशें तो अपने ख्याल में उन्होंने वो फिर वो देख रहे थे कोई जिंदा तो नहीं बचा। तो इसी तरह वो मेरे भी वो मुझसे पहले वो मेरे बुखालादाद भाई के सीने पे यूं वो बर्छी लगाई और उसको वो जो साथ ही उठी है उसकी लाश तो वो उसको हटा के फिर वो मेरे मारने लगे। तो मैं इससे जैसे लेटा हुआ था तो नीचे की ज़मीन थी वो थी वैसे बगैर कच्ची ज़मीन थी, तो अपने जान में उन्होंने वो बर्छी मेरे सीने पे मारी यानी दिल में मारना चाहते थे, वो वहाँ नीचे लगी वो बगल में और यूं करके वो ये समझे कि मैं ख़त्म हो गया और आगे चले। तो ये वो जब कम करके चले गए तो मुझे सख्त प्यास लगी हुई थी, तो उस प्यास के आलम में मैंने अब सोचा हुआ कि पानी कैसे पीऊँ। तो वो जो मेरे दाएं तरफ में मेरी जो बहन खाला दाद थी वो पड़ी हुई थी उसके वो खून को मैंने वो चाटा, और फिर मैंने वो ये शेर भी कहा था मुझे है ये सानहा भी मेरी ज़िंदगी में गुजरा है पिया है भाइयों ने प्यास में बहन का लहू। ये दौर हैवानियत का दौर था, ऐसे ऐसे मनाज़िर देखने को आए कि बस आंखें बंद कर लेने को दिल चाहा, लेकिन मेरा काम तो देखते ही रहना और चलते ही रहना है। सुमे चलता रहा और देखता रहा इफरीतों में घिरी हुई इंसानियत को, भड़कते हुए शोलों और बहते हुए आंसुओं को, सुनता रहा फजा में गूंजती हुई आहों और सिसकियों को।
जालिमों ने सबको मार डाला। जला डाला सबको, तबाह कर दिया सब कुछ। क्यों, क्या कसूर था हमारा? एक वतन ही तो मांगा था, कोई जुर्म तो नहीं किया था, कोई जुर्म मगर हवस और लालच ने तुम लोगों को वहशी बना डाला। अरे जानवरों से बदतर हो गए थे तुम लोग। अरे कोई अपनों के साथ ये सलूक करता है, तुम तो हमारे अपने बंदे थे अपने। मैं जा रहा था तो रास्ते में एक गली में गया तो वहाँ मुसलमानों के काफ़ी घर थे, उसको गुजर गली बोलते थे। उसमें गया तो सारा सामान मुसलमानों का ऊपर से फेंक रहे थे, 400-500 हिंदू लगा हुआ था, कुहाड़ियाँ डांगे उसको मार रहे थे, तलवारें सामान को, हाँ मुसले मतलब गंदी गालियाँ निकाल रहे थे। उनके 3 या 4 बच्चे खड़े थे, मैं उनमें जाए खड़ा हो गया था, मेरी तरफ किसी का ख्याल ही नहीं गया। तो मैंने लोहे का टोप पहना हुआ था तो खंजर मैंने छिपाया हुआ था, उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया। फिर मैं उल्टे हाथ गली जाती है मैं उधर चला गया। मैं बच्चा था, वैसे मैं घबरा गया हुआ था, मैं जा रहा था तो सास पीछे पीछे देखता जाता था, तो 3 सिख आ रहे, ओए इधर आए, कौन है तू? मैं कहा मैं हिंदू हूँ। कहना इधर किधर चले हैं? मैं कहा मैं अपनी मासी वाल चले हैं। कहना अच्छा जा पा जा पा जा पा जा। मैं चला गया, थोड़ी दूर आगे गया तो फिर सीधे हाथ पर एक 5-6-7 घर आते थे मुसलमानों को। मैं वैसे जी जी घबरा गया हुआ था वो नक्शा देखकर। वहाँ देखा तो वहाँ आग लगाई हुई थी, गुजरों के भी घर थे और भी 2-3 घर थे, तो उन्हें आग लगाई हुई थी। मैं फिर और घबरा गया, फिर थोड़ा सा आगे गया, फिर उसको मिसिंग का गाड़ा बोलते हैं जहाँ का रमजी पहलवान हुआ, बहुत बड़ा पहलवान हुआ, उस मल्ले की तरफ देखेगा। उसी लाइन में आगे जाके एक और गली थी, उस गली में चला जाता तो मैंने बच जाना था। वो सीधे हाथ गली थी, मैं उसमें चला, आगे मेरी खाला का घर था, मैं उस तरफ गया तो गली में जब कदम ही रखा था एक ने मुझे यहाँ से पकड़ लिया। कहता कौन है तुम? मैंने कहा मैं हिंदू हूँ। कहता क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा राम लाल। कहना गली में क्या लेने जा रहे हो? मैं कहा मेरा खालू रहता है, वहाँ वो खालू नहीं बोलते। मैंने कहा मेरा खालू रहता है, क्या नाम है उसका? मैं कहा काजी गुलाम नबी। हाँ बस फिर उसने कहा इधर से ना जाओ, मर जाओगे इधर से जाओ। मैं 5-6 कदम चला हूँ तो उन्हें उंगली मुँह में डाली और सीटी मारी। एक जाट था खड़ा, उसने मेरी तरफ देखा, उसने हाथ से इशारा किया, उसने मेरा टोप उतार लिया। कहने ये कितने का लिया? मैंने कहा 12 ने का। बस इतनी बात हुई है, 20-25 आदमी मेरे खड़े हो गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ देख ही रहे थे। एक आदमी भाग कर आया, जवान लड़का था, उसने मैं पकड़ लो मुसला ही है, ओए फड़ाए। एक आदमी ने उसकी तरफ कुल्हाड़ी फेंक दी, उसने पहली मारी है, मैं से हाथ पर रोकी, मेरा हाथ कट गया। मैं हाथ की तरफ देखा, उसने दूसरी मार दी, मैं जल्दी से ऐसे हाथ किया, ये भी नीचे गिर गया, वो खंजर भी मेरा गिर गया। वो जो मार रहा था वो घबरा गया, वो कहता नासा मर गया जी। वो भागा, भागते वक्त गिर गया, उसके ऊपर 5-6 आदमी गिर गए। फिर वो भाग गए, मैं अकेला रह गया। तो ये हड्डी चिट्टी सफ़ेद सफ़ेद रंग था, ये हाथ भी मैं देख रहा था लटक रहे थे तो सफ़ेद थे। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता सुरख हुई हड्डी, तो एकदम खून बहने लग गया। जब पाकिस्तान बन गया, 14 अगस्त बन गई है, तो रियासतों की मिलिट्री आई है, नाभा पटियाला आई है, रियासत कपूरथला, इन्होंने अमृतसर में जो अशर मचाया है, ऐसे लाशें पड़ी थी, डेड हाउस भर गया हुआ था, बाहर दीवार के साथ एक नीचे एक ऊपर ऐसे सीधी लटाई हुई है, अलफ नंगी लड़कियाँ, तो जिस्मों के रंग 2-2 हो गए हुए हैं, मतलब केमिकल ऐसे इस्तेमाल किए हुए, मारे माम शाम मारे हुए हैं। तो ऐसे 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 लाशें पड़ी हुई थी। जब हम आए हैं उस वक्त रास्ते में इधर भी लाशें इधर भी लाशें, बहुत बहुत ख़तरनाक लाशें देखी हैं। जवान मेरी उस्ताद की बीवी थी, वो शहीद हो गई, उसका 11 दिन का बच्चा था, उसको नेजे पे उन्होंने उठा लिया था। अपनी मंजिल की तरफ ये सफर भी कितना अजीब था, हर रह गुजर तारीख थी और हर रास्ता मौत के करीब से गुजरता था।
लेकिन अपने मकसद के लिए जान हार देने वाले मौत की परवाह कब करते हैं? वो काफिला दर काफिला चलते रहे, सर कटते रहे और लहू के सुर्ख फूल रास्तों में बिखरते रहे। लेट हो गया, अल्लाह फजल करे। हाँ मियां खान, गाड़ी को अब तक पहुंचाना चाहिए था। सब पता तो करें। पता किया है, अमृतसर से तो 7 बजे ही चली थी, अब तक गाड़ी को यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। सर कहीं ये भी तो नहीं? नहीं मियां खान, ऐसा मत सोचो, शायद रास्ते में इंजन खराब हो गया हो। लेकिन साहब, खैर की दुआ मांगो, बहुत बर्बादी देख ली, अब और नहीं देखी जाती। हेलो, बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक, मियां खान ट्रेन आ गई, फोन खाना बदल दो। ठीक है, कह रहे हो माइकल? ये मुर्दों की ट्रेन है सर, सवाए लाशों के, कुछ नहीं बचा सर। लेकिन ये कैसे हुआ माइकल, कैसे हुआ?
एक गाड़ी मैं लिए जा रहा था सहारनपुर, लक्सर वो गाड़ी पहुंची तो कंट्रोलर ने ये तय किया कि पहले जो देहरादून से लाहौरी आ रही है वो जाएगी, उसके बाद आपकी गाड़ी चलेगी। नीचे लाहौरी आई प्लेटफॉर्म पर, देहरादून से उसमें जो मुसलमान लाहौर जाना चाहते थे वो बजाय इसके कि मुंतशिर होकर अलग अलग डिब्बों में बैठे हैं, वो एक ही डिब्बे में बैठ गए, एक ही बोगी में वो सब जमा हो गए। उन पर नज़र थी, चुनाचे जैसे ही गाड़ी लक्सर के प्लेटफॉर्म पर रुकी है उस डिब्बे पर ज़्यादातर सिख थे जिन्होंने हमला किया। एक एक आदमी को खींच कर, कृपाने नहीं थी तलवारें थी, तलवारों से एक एक आदमी को खींच कर टुकड़े उड़ा दिए। किसी का बाजू पड़ा है, किसी का हाथ वहाँ पड़ा है, किसी की उंगली वहाँ कटी पड़ी है, किसी की गर्दन आदि लटक रही है, किसी का ये सूरत हाल थी जी। और इस कदर दर्दंगेज मंजर था, सारा प्लेटफॉर्म गोश्त से और खून से भरा पड़ा था और कोई उनको संभालने वाला या उठाने वाला या उनकी मदद करने वाला नहीं था। तुरपा तमाशा तो यह है कि मेरे क्लास फेलो हर नारायण उनका नाम था जी जी, वजह कतः में बिल्कुल मुसलमान मालूम होते थे, या तो सूट पहनते थे या फिर वो पाजामा और शेरवानी पहनते थे, मैंने कभी उन्हें धोती बांधे हुए नहीं देखा। उनकी दोस्ती भी तमाम मुसलमानों से थी, जितने मुसलमान लड़के थे उन्हीं से दोस्ती, हिंदू को मुंड लगाते थे, साथ खाने पीने तक में उन्हें तांबुल नहीं था। अच्छा, हमारे यहाँ मैं हैबिट मुस्लिम हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया तो वहाँ एक मेस्टर्न हॉल था, उसमें सालाना एक महफिल मिलाद मुनक़िद होती थी जी, बड़े ऊंचे पैमाने पर बड़े मेयार के साथ। उसमें वो हरनारायण आते थे, उसके हाल के मेस्टर्न हॉल के डेकोरेशन में हाथ बटाते थे, गुलाब पाश लेकर छिड़कते गुलाब छिड़कते थे हाजरीन हाँ मिलाद शरीफ पर जी। और उनके मुतालिक आम खुद हिंदुओं और मुसलमानों में ये रिवायत थी कि ये तो नाम का हरनारायण है वरना ये तो मुसलमान हो गया है। तालीम से फारिग होने के बाद उन्होंने एक सीसिल होटल खोला देहरादून में। अच्छा, वहाँ भी उन्होंने मुसलमानों से ज़्यादा रब्त ज़ब्त कायम किया, उनके होटल में ज़्यादातर जाने वाले भी मुसलमान ही थे और उन्होंने सबसे ये कहा कि भाई अगर जब ये हालात पेश आए तो उन्होंने कहा कि मियाँ जिसे भी ख़तरा महसूस हो तो मेरे यहाँ आ जाना, मजाल नहीं है कि तुम्हें किसी को हाथ लग जाए। लेकिन उनके होटल में जाते हुए तो सबको देखा गया, बहुत से मुसलमानों को जाते हुए देखा गया, निकलते हुए किसी को न देखा गया। उस होटल को उन्होंने मक्कल बना लिया, ये था उनका जाहिर, वो था उनका जाहिर और ये था उनका बातिन। बरसों बीत गए मगर मैं याद कर रहा हूं, सोच रहा हूं कि इंसान कितने रंग बदलता है, इसके कितने रूप हैं। कभी वो इशारो कुर्बानी और खुलूस वफा का पैकर नजर आता है तो कभी लालच हिरसो तमाम बद्दयानती और खुदगर्ज़ी का मुजस्मा। अम्मा? हाँ क्या है? अम्मा बोल ना। एक बात कहूँ अम्मा? हाँ बोल। लेकिन तुम मानेगी नहीं। बावली हुई है क्या? बात तो बता। तुम मानेगी ना अम्मा? मानूंगी मानूंगी, बात बता। अम्मा परसों फातिमा के ब्याह में तुम्हारे झुमके पहनूंगी। अच्छा अच्छा, पहन लीजिए पहन लीजिए, लेकिन देख वहाँ ज्यादा उछल कूद ना करियो, तुझे तो जैसे मर लगे मैं। अम्मा अब इतनी एहतियात भी क्या, मेरी सारी सहेलियां वहां होंगी तो थोड़ा बहुत नाच गाना तो होगा। खबरदार खबरदार कोई ऐसी वैसी हरकत की, अल्लाह खैर सुल्ला रखे, थोड़े दिन के बाद नहीं रोकूंगी तुझे। और हाँ वो फातिमा की अम्मा से कहियो कि कौन? राम दयाल हूँ चाची। राम दयाल तो बाहर क्यों खड़ा, अंदर आ जा, आ बैठ। मेरे को बैठना नहीं है चाची, बस तू मेरे संग चल। हाँ। क्या बात हो गई है, क्या हो गया है? हाय हाय अल्लाह, क्या बात है रामदयाल, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या बताऊं चाची, रमला दीदी की तबीयत बहुत खराब है और घर पर कोई भी नहीं है, जल्दी करो ना। क्या हुआ है रमला को? सब कुछ यहीं पूछ लोगी कि चलोगी भी?
तुम चलो तो रास्ते में सब कुछ बता दो, बस बस निकल आओ जल्दी करो। अच्छा अच्छा बेटा दरवाजा बंद कर ले, पता नहीं कितनी देर हो जाए। बात क्या हो गई है, कितना घबराया। हम दयाल आहिस्ता चल, मुझसे इतनी देर कहाँ चला जाता है। चल, चल। बड़ी मोहब्बत होती थी तेरी माता की, आई गई क्या। हरीश, तुम इसके पास हो, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे रामदयाल? तेरा ही घर जा रहा हूँ चाची, बस अभी आया। मेरे घर? हाँ तेरे घर। खबरदार, खबरदार, तूने कोई ऐसी ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दे मुझे। धीरज चाची, धीरज। हे चंदू, पकड़ इसे। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, 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 नहीं जा सकता तू, नहीं जा सकता तू, मैं कहती हूँ नहीं जा सकता तू, छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ देंगे पहले रामदयाल, रुक जा रामदयाल, छोड़ो, नहीं तू छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो चंदू बेटा, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे। पुष्पा, पुष्पा, पुष्पा दरवाजा खोलो, छोड़ दो, तो मैं तुम्हारे कान का वास्ता। ओ छोड़ दो मुझे, मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा, मेरी मेरी बच्ची को, मेरी मेरी तुम घबरा काहे को रही हो? मैं कोई जिन प्री थोड़ा हूँ? मैं कहती हूँ मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अरे जान तो हमने तुम्हें उसी दिन दे दी थी जब पहली बार देखा था। रामदयाल, मैं कहती चले जाओ, चले जाओ, वरना 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 दरमियानी शब थी, क्या शब थी, सितारों की चकमगाहटें गोया जमीन पर उतर आई थी, वो भी क्या लम्हा था, तपती हुई प्यासी से जमीन पर गोया खुशबुओं की बारिश हो रही थी, आंसुओं से लबरेज आंखें तशक्कुर के मोती लुटा रही थी, और दुनिया के नक्शे पर मुसलमानों के लिए रोशनियों और ताबनाकियों से भरा हुआ मुस्तकबिल नमूदार हो चुका था। पाकिस्तान। मैं अपने घर से निकला रेडियो स्टेशन जाने के लिए, जो उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो था, तो हमारे मोहल्ले के सामने एक छाबड़ी फरोश बैठा हुआ था, बैठा करता था वो हमेशा से, वहाँ वो सब्जी वगैरह और फल बेचता था, बहुत खुश था। मैंने उससे कहा, मैंने कहा लाला आज क्यों इतने खुश हो, तो कहने लगा तुम पता नहीं ये ज़मीन का टुकड़ा जिस पे मैंने अपनी ये छाबड़ी रखी है आज रात के बाद मेरी ज़मीन होगी। वाह, आज तक मेरी नहीं है, आज रात के बाद ये मेरी ज़मीन हो जाएगी। कुछ दूर में गया तो मुझे एक और साहब मिले जिन्होंने सूबे सरहद में तहरीक आज़ादी के सिलसिले में बहुत खिदमत की थी, और वो बदकिस्मती से एक पांव से माजूर हो गए थे, तो बिसाखी के सहारे चल रहे थे। मैं मिला, गले लगाया, रो पड़े। मैंने कहा क्यों? कहने लगे इसलिए कि मुझे वतन पाक के लिए खिदमत करने के वो मौाक़े हासिल नहीं होंगे जो अगर मैं पूरी तरह सेहतमंद होता तो मैं कर सकता। तो मैंने कहा तो क्या तुम खुश नहीं हो? कहते क्यों खुश नहीं हो?
بیساکھی کو ایک طرف ہٹا کے کہنے لگا اب انشاءاللہ اس وطن پاک میں مجھے اس بیساکھی کی ضرورت نہیں رہے گی. لوگ بے حد خوش تھے, مبارکباد بھی ایک دوسرے کو دے رہے تھے. انہیں بے شک اپنے ان عزیزوں اور دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں کا دکھ بھی تھا جو شہید ہوئے, جنہوں نے جانوں کا نذرانے پیش کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہم سب یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ حصول پاکستان, حصول آزادی, قیام پاکستان, یہ سب کچھ تائید ایزدی کے بغیر ممکن نہیں تھا. بالآخر وہ وقت قریب تر آ گیا اور ہر شخص کان لگائے بیٹھا تھا کہ اب کس وقت ہم وہ نوید سنیں گے. 11:10 پہ اس وقت ان دنوں میں تیسری مجلس, جسے تیسری سبھا کہا جاتا تھا, ختم ہوتی تھی. چنانچہ میں نے 11:10 پہ اعلان کیا, یہ آل انڈیا ریڈیو پشاور ہے, اس وقت رات کے 11:10 ہوئے ہیں, ابھی آپ دلی سے افغان فارسی پروگرام سن رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہماری تیسری سبھا ختم ہوتی ہے آدھا برس. اور یقین جانیے, یہ کہنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے کہ آج ہم نے اس ظلم و تشدد کو ہمیشہ کے لیے دفنا دیا جو ہم پہ آج تک جاری و ساری تھا. کیونکہ وہ آل انڈیا ریڈیو کی آخری سبھا تھی, وہ آل انڈیا ریڈیو کا آخری اعلان تھا, اور میں نے یوں محسوس کیا گویا میں نے کسی کو دفنانے کے بعد اس کے اوپر دعا پڑھ دی اور ختم ہو گیا وہ. اس کے بعد جو 50 تھے, یوں لگا جیسے 50 ہیں. وہ 50 گزرتے ہی نہیں تھے. گھڑی گھڑی ہم اپنے کبھی رسٹ واچ کو دیکھیں, کبھی وال کلاک کو دیکھیں کہ بھائی اب کتنا وقت رہ گیا, یہ جانتے ہوئے کہ ابھی 50 ہیں, 12 ہمیں اعلان کرنا ہے, لیکن ایک عجیب کیفیت تھی بے چینی کی. ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ وقت کسی طرح پر لگا کے اڑ جائے اور جلد سے جلد یہ سوئیاں جو ہیں 12 پہ جا کے ٹک جائیں. چنانچہ ہمارے وہ اناؤنسر صاحبان اور دوسرے لوگ جو تھے وہ اسی انتظار میں اپنے, بار بار ہم لوگ ان اناؤنسمنٹس کو پڑھتے تھے, حالانکہ اناؤنسمنٹ کرنا ایک پیشہ تھا, لیکن بار بار پڑھتے تھے کہ کہیں زبان لڑکھڑا نہ جائے, کہیں کوئی غلط لفظ ادا نہ ہو جائے, کیونکہ یہ ہماری آزادی کی نوید ہے, ہمارے آزاد ریڈیو کا پہلا اعلان ہے. وہ وقت آ گیا کہ گھڑی کی سوئیاں 12 پہ جا کے ٹک گئیں. اسٹوڈیو میں سرخ لائٹ آئی, اناؤنسر نے کہا, اور آپ یقین جانیں ہر آدمی خوشی سے, اس کی آنکھیں اس وقت نامعلوم تھیں, منتظر تھا کہ ہمیں کب ہمارے تشخص کا مژدہ سنایا جائے گا. چنانچہ اس نے کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا یہ پشاور اسٹیشن ہے, ہم اپنے سننے والوں کو قیام پاکستان اور آزادی کی مبارکباد دیتے ہیں. ہماری اس مجلس کی ابتدا کلام پاک, رب ذوالجلال کے کلام پاک سے ہوگی, اور اس کے بعد قاری صاحب نے انا فتحنا لك فتحا مبین اس آیت کی تلاوت کی, اور اس کے بعد دوسرا اعلان ہوا, نغمے خاص طور پہ اس دن کے لیے بنائے گئے تھے, وہ نغمے پیش کیے گئے, جن میں سے ایک نغمہ تھا پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, اور دوسرا نغمہ تھا پاکستان بنانے والے, پاکستان مبارک ہو. اور واقعی پاکستان کی مبارکباد کسے دینا چاہیے تھی, اس شخص نے کو جس نے اپنے نحیف و نزار جسم کے ساتھ اس قوم کی رہبری کی, اس قوم کو اس منزل کی طرف وہ لے گیا, ہزار ہا دشواریوں اور مصائب کے باوجود جو منزل ہر آدمی کی نظر میں انتہائی مشکل نظر آتی تھی, لیکن اس نے کہا تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے, اور ایک الگ قوم کی حیثیت سے انہیں یہ حق حاصل ہے کہ ان کا ایک الگ آزاد وطن ہو جس میں وہ اپنے عقائد اور اپنی روایات کے مطابق زندہ رہ سکیں. چنانچہ اللہ کے کرم سے ہمیں پاکستان حاصل ہو گیا, اور اس وقت اسٹوڈیو میں
پروگرام باقی بھی کچھ دیر کے لیے جاری رہے، لیکن جو لوگ باہر تھے اسٹوڈیو سے، انہوں نے نعرے تکبیر، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد، یہ سب نعرے لگائے، اور کئی ایک تو وہاں سبزدار میں سر بسجود ہوئے، اللہ کے حضور شکر ادا کیا۔ جب صبح ہوئی، وہ صبح جمال تھی، اس صبح جمال کا کیا بیان کیا جائے، وہ کیفیت ایسی تھی جو الفاظ میں نہیں بیان کی جا سکتی، وہ مستی ایسی تھی جس کو آپ الفاظ کی بندش میں نہیں سمیٹ سکتے۔ اور جب ہم نے نظر اٹھا کے دیکھا تو ہر طرف ہمیں اپنا پرچم ستارہ و ہلال نظر آیا، جو ہماری امنگوں کا، ہماری آرزوؤں کا اور ہماری جد و جہد کا نصب العین تھا۔